हेलो फ्रेंड्स, शुभवास्तु में मैं रीता जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम के प्रवेश द्वार के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। शुभवास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तुशास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुँचाने का। अगर वास्तुशास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हो और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। प्लस वास्तुशास्त्र में प्रवेश द्वार का बहुत महत्व है। अगर प्रवेश द्वार सही दिशा में होता है तो इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जाओं में बढ़त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक प्रवेश द्वार को कैसा होना चाहिए, इसे डिटेल में मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार को अच्छा माना जाता है या नहीं, और उत्तर पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय। चलिए शुरुआत करते हैं ये जानकर कि उत्तर पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार को अच्छा माना जाता है या नहीं। फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा है। नॉर्थ वेस्ट ये नॉर्थ यानी कि उत्तर और वेस्ट यानी कि पश्चिम के बीच की एक विदिशा यानी कि सब डायरेक्शन है। वास्तुशास्त्र में 8 दिशाओं का बहुत महत्व है। हर एक दिशा 45 डिग्रीज की होती है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्थ को 0 डिग्री पर कंसिडर करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट ये 315 डिग्रीज पर होगी नॉर्थ के। हर एक दिशा किस डिग्री पर शुरू और समाप्त होती है, इसे डिटेल में मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है। अब हमने जान लिया कि उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा कौन सी दिशा है। अब हम नॉर्थ वेस्ट के प्रवेश द्वार के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट के केयरटेकर है वायुदेव, और 5 तत्वों में से वायु तत्व ये नॉर्थ वेस्ट में होता है, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट को वायुकोण भी कहा जाता है। इसके अलावा मून यानी कि चंद्रमा का भी प्रभाव नॉर्थ वेस्ट में होता है। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि वायु कभी भी स्थिर नहीं रहता है और चंद्रमा भी अपने आकार में बढ़ते और घटते रहते हैं, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट के प्रवेश द्वार वाले घर में स्थिरता की कमी रहती है। यह अस्थिरता जीवन में हो सकती है, विचारों में या फिर पैसों में। फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व होने के कारण यहाँ पर आमदनी में बढ़त तो तेजी से होती है, पर खर्चे और भी तेजी से होते हैं। यानी कि पैसे आने से पहले पैसे किन चीजों पर खर्च होंगे ये डिसाइड हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट के प्रवेश द्वार वाले घर या फिर कार्यस्थल में लोगों के बीच में एकता और तालमेल की कमी रहती है। अपने और आस पड़ोस के लोगों में ईर्ष्या बढ़ती है और कभी कभी लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से नॉर्थ वेस्ट के प्रवेश द्वार को इतना अच्छा नहीं माना जाता है। पर यहाँ पर भी एक अपवाद है और वह है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वास्तुशास्त्र में कुल 5 दिशाओं को सारे प्रवेश द्वार के लिए अच्छा माना गया है और उनमें से एक है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट को डिटेल में मैंने अपने पॉजिटिव डायरेक्शंस फॉर एंट्रेंसेस के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके लिए नॉर्थ वेस्ट के प्रवेश द्वार को भी अच्छा माना जाता है, जैसे कि बिजनेस जो एरोसोल्स परफ्यूम स्प्रेस में डील करते हैं, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, मोबाइल सर्विसेज, सेल्स, प्रमोशनल मटेरियल्स, एड एजेंसी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इत्यादि में डील करते हैं। अब हमने जान लिया कि नॉर्थ वेस्ट के प्रवेश द्वार को अच्छा माना जाता है या नहीं। अब हम नॉर्थ वेस्ट के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय जान लेते हैं। फिर वास्तु में जब हम किसी दोष के लिए उपाय करते हैं तो यह उपाय उन दोषों को कम करने में आपकी मदद करते हैं। नॉर्थ वेस्ट के प्रवेश द्वार के उपायों को विस्तार में मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज है, या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।